हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग। कल मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया बिकॉज आई वॉज सुपर टायर्ड, क्योंकि परसों मैंने जोश में दो योगा क्लासेस एक्स्ट्रा कर ली थी, मतलब एक साथ कर ली थी। एंड कल आई वॉज बैडली टायर्ड, तो मैं कल कुछ भी नहीं कर पाई, पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी थी मैं ऑलमोस्ट। सो येस, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। एंड आज मैंने बुक की है पावर योगा की क्लास दीपक सर की, एंड 8 ऑलरेडी बज चुके हैं, सो आई विल गेट लेट, सो लेट मी जस्ट गेट रेडी। आई हैव बीन यूजिंग दिस वाटर प्रूफ सनस्क्रीन फ्रॉम डॉट इन की आजकल, एंड आई एम लविंग इट बिकॉज इट्स सच अ लाइट वेट सनस्क्रीन, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है स्क्रीन पे और वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। इट्स वर्किंग फाइन and I am ready, let's go। अच्छी शक्ल देख लो, रोज ऐसी शक्ल बना देता है जाने से पहले। बाय सोनू, बाय बेबी, जल्दी आ जाएगी मम्मी, ओके। भाई आज तो जान ही निकाल दी दीपक ने, इसका पावर योगा सेशन इज वेरी डिफिकल्ट। तांबरा इज स्टिल अ लिटिल ऑन द यू नो इजियर साइड, इजी उसका भी नहीं है बट दीपक से इजी है। सो या अनदर न्यूज, गाड़ी का एसी नहीं चल रहा है आज, आते टाइम भी आई वाज सो परेशान बिकॉज बहुत गर्मी हो गई है यहाँ पर दिल्ली में ऑलरेडी, एंड गाड़ी का एसी इज नॉट वर्किंग सम हाउ, आई थिंक सर्विसिंग की जरूरत है। इन अनदर न्यूज, आज मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ रात को तीर्थन के लिए। अचानक ही सडनली सा प्लान बन गया है तीर्थन विजिट करने का, या आई वॉन्टेड टू विजिट तीर्थन, बहुत टाइम से मैं सोची थी जाना है तीर्थन। एंड अभी वहाँ पर बारिश हो रही है, तो सुना है कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ पे इतनी गंदी गर्मी हो रही है कि बस रैंडमली मेरा प्लान बन गया एंड आई एम लीविंग टू नाइट फॉर 3 डेज। तो अगले 3 दिन के व्लॉग जो है वो आपको तीर्थन से ही मिलने वाले हैं। सो फिलहाल घर चलते हैं। मैं बना रही हूँ अपने लिए मूंग दाल का चीला, तो मैंने ये हरी मूंग की दाल जो होती है साबुत, उसको पीस लिया मिक्सी में, और अब मैं इसमें प्याज धनिया वगैरह डाल के चीला बनाऊंगी। सो ब्रेकफास्ट हो गया है एंड नाउ लेट्स स्टार्ट पैकिंग। I'm already excited about this trip. I've never been to Tirthan. मैं कल तक फिर भी थोड़ी सी skeptical थी, confused थी कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, but now जब मैं आज रात को निकल रही हूँ and I'm starting to pack, I am excited. This is my first outfit. So this is my first outfit, a black hoodie and a pair of black shorts. And I think it's looking good. इसके साथ मैं white shoes भी पहन सकती हूँ और black boots भी पहन सकती हूँ, depending on how much space do I have in my bag. I'll also take some t-shirts. अगर यहाँ पे ठंड नहीं हुई गर्मी हुई तो t-shirts की भी जरूरत पड़ेगी। So I will take this one. And this could be the second outfit. This is a bodysuit which I got from Amazon. And this is an H&M denim skirt which I got from Sarojini Nagar for 200 rupees. And I love it. And this is another skirt. This is a leather skirt again from Sarojini. 200 rupees ki maine li thi ye. And puri sardi mujhe isko pehenne ka mauka mila nahi hai. So I think I can take this because it's looking pretty. एंड उसकी लेंथ वेंथ भी सब ठीक है, ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा लंबी है। सो व्हाट डू यू से, एंड यस इट लुक्स नाइस, आई थिंक दिस कैन बी अनदर आउटफिट। हैव दिस वन मोर टॉप टू बी पेयर्ड विद दिस स्कर्ट, इट्स अ मेश टॉप, नेट का टॉप है ये, विच आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर परसों ही, एंड आई गॉट इट फॉर 80 रुपीज, एंड आई जस्ट लव द वे इट जस्ट फिट्स ऑन माई बॉडी। I can just throw up a leather jacket over. What do you say? Isn't everything like good? Nice? Kya ho raha hai malum hai tumhe? Do you know what is happening? Mama is going. Sonu? Auron ko dikh raha hai ki suitcase nikal raha hai. Matlab uski shakal dekho. Kaise? तो दिख रहा है कि सूटकेस निकल गया भाई घर में, कोई
मम्मा जा रही है, बाय बाय सोनू। यू नो द ओनली थिंग आई हेट अबाउट ट्रैवलिंग इज टू पैक, मतलब जितना सामान डालते जाओ वो कम लगता है, ऐसा लगता है ज़्यादा ठंड हो गई तो ये नहीं पहन पाऊंगी, ज़्यादा गर्मी हो गई तो ये नहीं पहन पाऊंगी, इसके साथ तो शूज़ अच्छे लगेंगे, इसके साथ तो हील्स अच्छी लगेंगी, इसके साथ तो बूट्स अच्छे लगेंगे, मतलब इतना मुश्किल है ना पैक करना। एंड देन जब पैकिंग हो जाती है तब वो अलग प्रॉब्लम दिल में गिल्ट आता है कि यार ओवर पैक कर लिया है, इतना सामान पैक कर लिया, इतने से दिन के लिए जा रही हूँ इतना सामान ले लिया, इतने तो मैं पहनूंगी नहीं, मतलब दिस इज व्हाट आई फेस ऑलवेज। मैंने इस बार अमेजोन से ये पैकिंग क्यूब्स मंगा लिए हैं, तो जिसमें बहुत सारा सामान आ जाता है, ये मैंने पूरा ये पैकिंग क्यूब्स मंगा लिए हैं, तो एक एक क्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा ज़्यादा सामान आ जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग सपोजिटली, बट फॉर मी इट हैज़ टर्न आउट टू बी अ बैड थिंग, बिकॉज बहुत सारा सामान आ जा रहा है, तो मैं बहुत सारा सामान भरती जा रही हूँ, एंड देन आई एम लाइक दिस थिंग इज ट्रबलिंग मी कि यार मैं इतना सामान क्यों लेके जा रही हूँ। एंड लुक एट हिम, हाँ सोनू क्या हो गया, मम्मा जा रही है, लुक एट हिम, अब इसको समझ आ गया, सोनू ओले मिलो बच्चा। सो यस आई एम रेडी टू लीव, सूट केस हमने पहले ही नीचे पहुंचा दिया है ताकि हम औरों के सामने ना लेके जाएं, एंड जस्ट इन केस बोलते बोलते मैंने इतना सारा सामान पैक कर लिया है कि मुझे खुद शर्म आ रही है अपने ऊपर कि मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ, मैंने इतने कपड़े पैक कर लिए कि मैं आराम से वहाँ पर 10 दिन तो रुक ही सकती हूँ, मैंने इतने कपड़े पैक कर लिए। खैर ये वाला टॉप जो मैंने पहना है ये मैंने सरोजनी नगर से लिया था, इट्स दी H&M का ब्रांडेड टॉप, वेरी नाइस फैब्रिक, and the jeans is very purani and the shoes are Skechers and I'm ready। plan ये है कि बच्चे मुझे drop करने चल रहे हैं because मेरी bus मजनू का टीला से है and वहाँ पर एक बहुत ही हमारा favorite restaurant है Wongdin, वहाँ का pizza हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो plan ये बन गया अचानक कि बच्चे चलेंगे मेरे साथ मजनू का टीला and then we'll go to Wongdin, we'll have a pizza and then they'll drop me to the bus stand and they'll come back, so yeah let's go। तो मजनू का डेरा तो पहुंच गए हैं, बट फोकट हो गया एक छोटा सा कि एक तो हम थोड़ा सा लेट हो गए बिकॉज मैं अपना फ़ोन का चार्जर लाना भूल गई थी तो वापस जाना पड़ा, एंड दूसरा फोकट हो गया कि आज की चप्पल टूट गई है, तो हमने उसको अभी Wongdin रेस्टोरेंट पे उसको बिठा दिया और दीऊ और मैं जा रहे हैं लाफिंग खाने, चप्पल मैंने ले ली है आज के लिए, छोटा साइज मिला है बट मिल गया, सो या आई नो खाने आ गए हम लोग, हम सब लोगों को बहुत पसंद है लाफिंग, इसको खाने के लिए हम लोग स्पेशली आए हैं, ये ले चप्पल, दिस इज द फेमस क्रीम पिज्जा ऑफ Wongdin जिसको खाने के लिए आए हैं, ये और लाफिंग, जैसे कि मैंने बोला लाफिंग तो ये दोनों रीजन थे, ये मुझे हमको छोड़ने भी आ रहे थे और ये खाना पूछा, सो लेट्स स्टार्ट इनटू जा रहे हो, बोलो ऑल द बेस्ट और सर भाई आपको पसीना कितना आ रहा है। सो बच्चे चले गए हैं घर एंड आई एम सिटिंग एट द मजनू का टीला बस स्टैंड वेटिंग फॉर माई बस, हमें लग रहा था कि हम लेट हो गए हैं बट बस के टाइम से 15 मिनट पहले मैं पहुंच गई हूं यहां पर, बोर्डेड द बस एंड लाइफ में पहली बार मैंने लास्ट की सीट बुक की है, एक्चुअली यही अवेलेबल थी तो बुक करनी पड़ गई, एंड नाउ आई एम गेटिंग लाइक रियली एक्साइटेड फॉर तीर्थन। बस रुकी है अभी यहाँ पर बीच में चाय नाश्ते के लिए, मेरा तो पेट एकदम भरा हुआ बिकॉज पिज्ज़ा और लाफिंग खाई थी इतनी सारी, आई जस्ट गॉट डाउन फॉर द वॉशरूम एंड आई थिंक आई विल हैव कॉफी एंड गो स्लीप। सो यह दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल के बाद से 3 दिन का व्लॉग आपको तीर्थन से मिलेगा, सो देखना जरूर।